हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 44 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का 9 पार्ट है। अगर इससे पहले आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आपको उसी 5 सेकंड में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और वीडियो के लास्ट में 44 में कितना सही जाता है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न में है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है शुरू। आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 में है, भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है शिमला और चौथा है कटक। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शिमला तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 में है, रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है जो किसकी पत्तियों का भोजन करता है। आपको बताना है रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है जो किसकी पत्तियों का भोजन करता है। पहला ऑप्शन है शहतूत, दूसरा है बैर, तीसरा है आम और चौथा है केला। अगर आप लगा रहे प्रश्न संख्या 3 का ए शहतूत तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 में है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है। आपको बताना है गरीबों का गाय किसे कहा जाता है। पहला है भेड़ को, दूसरा है बकरी को, तीसरा है ऊंट को और चौथा है सुअर को। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी बकरी को तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 में है, विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। आपको बताना है विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्यूबा को कहा जाता है विश्व के चीनी का कटोरा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 में है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप 6 का लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 में है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ या अहमदाबाद। 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 में है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। आपको बताना है धान के खैरा रोग किसके कमी से होता है, नाइट्रोजन, पोटास, जस्ता या अमोनिया। अगर 8 के लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जस्ता तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9 में है, रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है। आपको बताना है रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है, मूँगफली से है, केला से है या गेहूँ से है या गन्ना से है। अगर 9 का आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गन्ना तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 में है, एपिकल्चर का संबंध किससे है। आपको बताना है एपिकल्चर का संबंध किससे है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर 10 का ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपिकल्चर। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 में है, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है मनीला, तीसरा है कराची और चौथा है कटक। अगर 11 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मनीला तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12 में है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। आपको विश्व स्तर पर बताना है हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है।
चार ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपसे 5 सेकेंड में नहीं हो पाता है तो आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लगा रहे हैं 12 का ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है विश्व स्तर पर। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, 13 में है, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको बताना है चाय में जो तत्व पाया जाता है उस तत्व का नाम बताना है। अगर 13 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी थीन, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, 14 में है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको दलहन अनुसंधान केंद्र बताना है, भागलपुर, रायपुर, कानपुर या कटक। अगर 14 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कानपुर, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, 15 में है, कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? आपको बताना है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, अंडा से, उर्वरक से, गर्म मसाला से या पेट्रोलियम से? अगर 15 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम से, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, 16 में है, आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? आपको बताना है आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। अगर 16 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पेरू चिल्ली, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, 17 में है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है कुनैन जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिनकोना से प्राप्त किया जाता है कुनैन। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, 18 में है, चावल को पॉलिश करने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाती है? आपको बताना है चावल को पॉलिश करने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाती है। 18 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, 19 में है, श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपको बताना है श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बर्गी कुरियर को माना जाता है श्वेत क्रांति का। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, 20 में है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? आपको बताना है दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है। 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन के कारण दिखाई देता है सफ़ेद। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, 21 में है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, करनाल में, सूरत में, रायपुर में या पटना में? अगर 21 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करनाल, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, 22 में है, निकोटिन किसमें पाया जाता है? आपको बताना है निकोटिन किसमें पाया जाता है, चाय में, कॉफ़ी में, तंबाकू में या सिनकोना में? अगर 22 के आप लगा रहे हैं तंबाकू, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, 23 में है, एशिया सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। 23 का सही जवाब हो जाएगा ताइवान में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? आपको बताना है कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, निकोटिन, कैफीन, कैरोटीन या केसिन? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर कैफीन बी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, 25 में है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आपको बताना है सेरीकल्चर के संबंध किससे है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेशम उद्योग से संबंधित है सेरीकल्चर। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, 26 में है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य, उस राज्य का नाम बताना है, पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। अगर आप 26 का लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सोयाबीन, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, 27 में है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपको बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। अगर 27 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 में है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, 29 में है, सर्वप्रथम कपास का मकर बीज किस देश में बनाया गया था? आपको बताना है सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में बनाया गया था। अगर 29 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी भारत, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, 30 में है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? आपका ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगर 30 का आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, 31 में है, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? आपको बताना है दूध का रंग पीला किसके कारण होता है। 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, 32 में, मुर्गियों का प्रायः महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है? आपको बताना है मुर्गियों का प्रायः महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होता है। 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रानीखेत मुर्गियों में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, 33 में है, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? आपको बताना है अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है। अगर आप लगा रहे हैं 33 का ऑप्शन नंबर सी सेब से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, 34 में है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध से है। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, 35 में है, अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है? आपको बताना है अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, 36 में है, एंथ्रेक्स रोग किसमें किससे संबंधित है? आपको बताना है एंथ्रेक्स रोग जो है किसमें होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है, कुत्ता में होता है, या दोनों में होता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी दोनों में, गाय में भी होता है भैंस में भी होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे 37 में है, मरीनो किसकी एक प्रजाति है? गाय की, बकरी की, भेड़ की, या खरगोश की? 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भेड़ की। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, 38 में, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? आपको बताना है टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूंगफली से है। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, प्रश्न संख्या 39 में है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए प्रारंभ किया गया था? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज्जत नगर में। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, 40 में है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए साढ़ों बैलों के वीर को किस में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, 41 में है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66 से 67 में हुआ था। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से थे वो नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, 43 में, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है गेहूं से। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, प्रश्न संख्या 44 में है, सर्वाधिक पशु पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश।